बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है डेट शीट के हवाले से कि गुजरांवाला बोर्ड ने 9th और 10th क्लास की जो एनुअल डेट शीट है 2023 की वो अनाउंस कर दी है। ये आप मेरी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। ये गुजरांवाला बोर्ड की डेट शीट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें आपको बताता चलूँ कि जो आज से 3-4 दिन पहले पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की मीटिंग हुई थी, उसमें जो डेट शीट तमाम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने जिस पर इत्तफाक किया था, वही तकरीबन सारी की सारी डेट शीट वही है जो अभी अनाउंस की गई है। इसमें आपको बताता चलूँ कि जो आपके पेपर हैं वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 10th के। इसके बाद क्लास 9th के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 18 अप्रैल 2023 को। तो आपके साथ डेट शीट शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपका जो पेपर है वो किस डेट को कौन सा पेपर है और किस पेपर में कितनी छुट्टियाँ हैं। तो आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर डेट शीट देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, कोरोना के कोविड-19 के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। उसके बाद बताया गया हुआ है कि आपने पेपर में क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। फिर टाइमिंग बताई हुई है कि फर्स्ट वाला पेपर जो है, फर्स्ट टाइम वाला पेपर वो कब स्टार्ट होगा और सेकेंड टाइम वाला पेपर कब स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आपकी करते हैं स्टार्ट डेट शीट। तो आपको बताता चलता हूँ कि 1 अप्रैल 2023 को आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। हफ्ते वाले दिन वो पहला पेपर है अरबी का, यानी कि जो साइंस सब्जेक्ट के पेपर हैं वो सोमवार से स्टार्ट होंगे। तो 3/4/2023 को आपका पेपर है फिर अंग्रेज़ी का फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फिर 4 को आपका पेपर है इकोनॉमिक्स, फिर 5 को रियाजी मैथमेटिक्स, 6 को इस्लामियात और अखलाकियात, 7 को पंजाबी, 8 को फिज़िक्स, 10 को केमिस्ट्री, 11 को फारसी, ठीक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट बताता चलूँ 12 को एजुकेशन और साथ में जो माहौलियाती मुतालिया तरीके पाकिस्तान इस तरह के पेपर हैं। उसके बाद जुमेरात को बायोलॉजी और साथ में कंप्यूटर साइंस इसी तरह पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, फिर जुमा होम इकनॉमिक्स, फिर हफ्ते वाले दिन उर्दू लाजमी, फिर सोमवार को यानी कि 17 तारीख को आपका मुतालिया पाकिस्तान का लास्ट पेपर होगा। उसके बाद क्लास 9th के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्लास 9th के जो पेपर हैं वो स्टार्ट होंगे 18 अप्रैल 2023 से, यानी कि ब्रोज मंगल को, और पहला पेपर क्लास 9th का होगा होम इकोनॉमिक्स का। फिर 19 तारीख को क्लास 9th का पेपर होगा अंग्रेज़ी का, फिर 20 तारीख जुमेरात को फारसी, बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, इस तरह के सिविक्स के जो आर्ट्स के पेपर हैं वो होंगे। उसके बाद फिर ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, ईद आ जाएगी, फिर उसके बाद ईद के बाद पेपर होगा 26 तारीख को, वो होगा रियाजी का पेपर। ये बहुत अहम पेपर है, बहुत ही नंबर लेने वाले होते हैं मैथ में। तो आपने यहाँ पे एक छोटी सी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहता हूँ। तो आपने ये जो ईद की छुट्टियाँ ये ईद में नहीं गुजारनी, आपने अपने जो पेपर की है उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। फिर उसके बाद 27 तारीख को आपका पेपर है जुमेरात को इकोनॉमिक्स का, और दूसरे जो कम पेपर हैं गुजार गुजाइत वगैरह इस तरह के, फिर 28 तारीख को केमिस्ट्री का और जनरल साइंस का पेपर है, फिर 29 अप्रैल को आपका पेपर है इस्लामियात लाजमी का, ठीक है, न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों हैं, फिर 2 तारीख को इनके 2 मई, ठीक है, फिजिक्स का पेपर है मंगल वाले दिन, और 3 मई को आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा अरबी का बुध वाले दिन जिन्होंने अरबी रखी हुई है, फिर 4 तारीख को मुतालिया पाकिस्तान, फिर 5 को एजुकेशन फिजिकल एंड माहौलियाती मुतालिया तारीख़ पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह के पेपर होंगे, फिर 6 तारीख को उर्दू, ठीक है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, यानी कि ये 6 मई की बात हो रही है। उसके बाद 8 तारीख को आपका पेपर होगा बायोलॉजी का, फिर 9 तारीख को आपका पेपर होगा पंजाबी का, 10 को तर्जमातुल कुरान। तो इसके बाद फिर 10th क्लास के जो दूसरे पेपर हैं जिसे प्रैक्टिकल बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो डेट शीट थी मैंने आपके साथ शेयर की है, और लास्ट पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मैं देना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस ये हैं, कुछ एडवाइस ये हैं कि अभी आपके पास बहुत कम टाइम रह गया पेपर्स के हवाले से, ठीक है, पेपर में तकरीबन 20 से 25 दिन आपके पास रह गए हैं। तो ये 20 से 25 दिन आप इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि दिन और रात आप ये कर दें, तैयारी करें, अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाबी
नसीब फरमाएगा। आमीन। मेहनत करते रहें, मेहनत पर भरोसा रखें, अपने वालदैन की खिदमत करें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। इंशाल्लाह बेहतर होगा, बेहतर मिलेगा। अल्लाह पाक जो करेंगे बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।